तो आज हम प्रायिकता के बारे में जानेंगे और प्रायिकता में जो सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है एक ही फॉर्मूला होता है जो बार बार यूज किया जाता है और वो प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है पी से प्रायिकता को सूचित करते हैं और इससे उसमें होने वाली घटना को तो पी इक्वल टू ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। अब ये होता क्या है तो इसको देखना है। मान लीजिए ये एक रुपया का सिक्का है, अगर इसको एक बार हम कहेंगे उछालने के लिए तो क्या सब आ सकता है, एक बार हेड आ सकता है, एक बार टेल और एक बार क्या हो सकता है टेल आ सकता है। हेड को एस से सूचित करेंगे, टी को टेल से सूचित, टेल को टी से सूचित करेंगे। यानी एक सिक्का को अगर हम एक बार उछालेंगे तो दो संभावना, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अब कहेंगे दो, अब कहेंगे कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, हेड आने की। तो अब देखो पी और किस घटना को ले रहे हैं, हेड को ले रहे हैं तो एच चाले हैं या ऐसे समझो। देखो एक बार सिक्का को उछाले या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अब हेड कितना बार आ सकता है तो एक बार, तो एक। अब कुल परिणामों की संख्या हेड या टेल तो दो बटे दो, तो यानी कि एक सिक्का को अगर एक बार उछाला जाता है तो हेड आने की जो प्रायिकता होगी 1/2 होगी, क्लियर। उसी तरह टेल आने की प्रायिकता वो भी 1/2, क्लियर। यहां तक सिक्का पर क्या होता है, या तो हेड या तो टेल, या तो हेड या तो टेल, एक सिक्का इधर से एक सिक्का इधर से। अब देखो एक बार दोनों को एक साथ उछाला, हो सकता है दोनों पर क्या आएगा हेड हेड आ सकता है, यानी कि इससे इसको लेंगे दोनों को। फिर सेकेंड बार उछाला तो एक बार हेड आ सकता है एक पर, दूसरा पर टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, फिर टेल टेल आ सकता है, यही ना सकता है। तो कुल परिणामों की संख्या इसमें देखो, कुल परिणामों की संख्या 1, 2, 3, 4 कुल परिणामों की संख्या 4। अब कहेगा कि दोनों पर हेड आने की प्रायिकता, तो देखो हेड कितना बार आया है, चार बार आया है। दोनों पर हेड आने की प्रायिकता जब निकालेंगे तो इसमें देखेंगे कि हेड जो है कितना बार आया है, तो एक ही बार आया है। तो इसमें जो है दो सिक्कों को उछालने के बाद दोनों पर हेड आने की प्रायिकता जो होगी 1/4, परिणामों की संख्या 4 और हेड कितना बार आया है 1, तो 1/4। अब कहेगा कि हेड नहीं आने की प्रायिकता, ये तो आने की प्रायिकता है, तो नहीं आने की प्रायिकता क्या हो, तो जिस तरह संभव घटना को होने की प्रायिकता ई से सूचित करते हैं तो नहीं होने की प्रायिकता को पीई बार से सूचित करेंगे, समझ गया। अब देखो प्रायिकता होता क्या, कुछ संभव चीजें जैसे कल बारिश होगी, अब हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो संभव है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। और कोई चीज प्राकृति के लीजिए, जैसे कल भूकंप होने वाला है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये सब प्राकृतिक चीज है, हो भी सकता है, यानी कि संभावना चीज जिसमें लगा रहे तो उसी को क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। पीई बार बराबर 1 - पीई होता है। इसका पूरा सूत्र अगर जानिएगा तो पी
ई प्लस पी ई बार इक्वल टू वन। अब देखो यहाँ पर ये होना था इसको घटना दो बार, एक दोनों सिक्का को अगर एक बार उछालेंगे तो दोनों पर हेड आएगा, तो ये संभव घटना है। अब नहीं होने की बराजता में क्या करना है कि वन माइनस कर देना। अब कैसे, तो पी वन माइनस इसको इधर भेज दिए। अब इसमें कहेंगे कि एक बार जो है अगर हम किसी दो सिक्का को उछालेंगे तो दोनों पर हेड आने की जो संभावना है वो नहीं कब होगा, यानी कि पी एच बार इक्वल टू वन माइनस वन बाय फोर इक्वल टू थ्री बाय फोर, यानी कि नहीं आने की जो प्रायिकता है वो थ्री बाय फोर। यानी कि देखो तो कहीं भी इसमें तीन बार हेड आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो इसको पूरी तरह समझ चुके हो, आपसे पूछेगा कि E इक्वल टू जीरो ये संभव घटना है कि असंभव घटना है। असंभव घटना है, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव। अब इसमें हम कहेंगे कि आठ आने की प्रायिकता, तो देखो इसमें कहीं भी आठ है तो जीरो, क्या हुआ एक दो तीन चार पांच बराबर जीरो, यानी कि आठ जब है ये नहीं तो आएगा कहां से, तो ये असंभव हो गया। असंभव घटनाओं की प्रायिकता, तो सुन सूर्य जो है पूरब में उगेगा, तो सब दिन लाजमी के सूर्य पूर्व में उगता है और सुबह में ही उगता है, वो अपने आप में पूर्ण है, वो बिल्कुल श्योर है, उसमें कोई भी ऐसा खामी नहीं है कि कल नहीं उगेगा, सुबह में ही उगेगा सूर्य। ठंडी के मौसम ऐसा होता है। अब देखो जिसको हम पूर्ण रूप से जानते हैं कि नहीं ये होगा और होता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, श्योर घटना। अब देखो घटना जो है कोई भी घटना, जीरो या जीरो के बराबर हो सकता है लेकिन वन या वन से छोटा ही होगा, कोई भी घटना। इसमें कोई दुराय नहीं है कि सूर्य पूरब में नहीं उगेगा, पूरब में ही उगेगा, उसमें भी सुबह में ही उगेगा, शाम में सूर्य नहीं उगने वाला है, यानी कि पूर्णतः जो है ये 100% श्योर है कि सूरज जो है पूर्व में उगेगा, तो पूर्ण रूपेण हो गया, यानी कि श्योर इवेंट हो गया, उसको हम पीई इक्वल टू वन करेंगे। जो असंभव घटना जो होने वाला ही नहीं है उसको पीई बराबर जीरो करेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट उसको इंग्लिश में कहा जाता है। माइनस में हो सकता है, नहीं माइनस में भी नहीं हो सकता है, वन से बड़ा भी नहीं हो सकता है, जीरो से छोटा भी नहीं हो सकता है, वन से छोटा हो सकता है। हाँ वन से छोटा हो सकता है, कोई उठा करके ले लीजिए, जैसे देखिए यहाँ तक क्लियर है। पर जैसे कि ऑब्जेक्टिव में डालता है 0.06 0.8 संभव घटना सिर्फ जीरो नहीं है, संभव घटना नहीं है यानी कि वो संभव है तो जीरो, 0.3 नहीं तब तो संभव हो जाएगा, यानी कि वो संभव के लिए सिर्फ जीरो है, इम्पॉसिबल इवेंट के लिए सिर्फ जीरो और पॉसिबल जो श्योर में है उसका वन, और जो हो सकता है नहीं भी हो सकता है यानी कि जीरो से वन के बीच में आएगा। हाँ क्लियर है। अब यहां से आपको और दे दिया जाएगा, चलिए यहां ऐड कर दीजिए। अब इसमें आपको बोलेगा कि दो की प्रायिकता क्या होगी,
दो की प्रायिकता क्या होगी, तो P2 इक्वल टू दो, देखो कितना बार आया है, दो बार, तो दो कितनी संख्या है, नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1/4 जो है इनका होने की संभावना है, इसकी प्रायिकता आ जाए 1/4। क्लियर? अब नहीं होने की कोई घटना नहीं होने की, इसमें से घटाएंगे 1 - 1/4 3/4 आ जाएगा। फिर अब कहेगा तुम लोगों को चार से छोटी, इतना दिया रहेगा और कहेगा कि चार से छोटी संख्याओं की प्रायिकता क्या होगी, चार से छोटी, चार से छोटी, हाँ, लेस देन फोर ग्रेटर देन फोर, इस तरह से अगर दिया रहेगा तब क्या करोगे, तो चार से यहां लिख देंगे पी, चार से छोटी संख्या। अब देखो चार से छोटी संख्या क्या है, तो 4/8 1/2। क्लियर हो? चलो ये तो था चार से बड़ी, चार से बड़ी, तो फिर इसमें देखेंगे कि 5 है 8 है, तो क्या तो संख्या हुआ 1 2 2/8 2/8। यहाँ से इसको भी उतारना, वो संभव घटनाओं की प्रायिकता PE इक्वल टू 0, निश्चित घटनाओं की प्रायिकता PE बराबर 1, और कोई भी घटना जो है 0 के बराबर या 0 से छोटा लेकिन 1 के बराबर और 1 से छोटा ही होगा, यानी कि 0 to 1 इसके बराबर या तो इससे छोटा, एक से बड़ा कोई प्रायिकता का घटना नहीं है, कोई भी संभव घटना नहीं है जो एक से बड़ा होगा, क्योंकि जो चीज है ही नहीं तो शून्य में चला गया, अब उससे छोटा नहीं होगा, नहीं माइनस में क्यों होगा, जीरो ये नहीं होगा तो माइनस कहाँ से होगा, 1.3। अब कहेंगे हम कि क्या कुत्ता जो है उड़ सकता है, कितना प्रतिशत संभव है, लगता है कुत्ता उड़ सकता है कभी बर्ड्स की तरह, नहीं उड़ सकता है, और नहीं उड़ेगा तो कुत्ता को नहीं उड़ने की संभावना बराबर 0। अब देखो अब जो है डाई, यानी कि लूडो खेलते हो, मोबाइल पे खेलते, मोबाइल पर खेलो या बिछा करके खेलो, लेकिन लूडो खेलते हो उसमें पासा होता है जिसमें क्या होता है 6 डिजिट होते हैं 1 2 3 4 5 6, इसको छक्का बोलते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसमें कहेगा कि 3 आने की प्रायिकता, तो 3 क्या बार आया है, एक बार, तो P3 बराबर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 1/6। उसी तरह अगर पूछ देगा P4 तो 1/6, P5 तो 1/6। क्लियर जी सर? यहाँ कोई दिक्कत भी है? नहीं सर। चलिए नहीं बार। अब कहेगा कि 5 से कम आने की प्रायिकता, तो 5 से कम देखो 1 2 3 4, यानी कि 1 भी कम है, 2 भी कम है, 3 4 तक कम है, तो क्या तो डिजिट हो गया, नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4 चार हुआ, तो 4/2/3। अब कहेगा कि 5 से कम नहीं होने की घटना, 5 से कम हाँ, तब क्या करेगा, यानी कि पी नॉट यदि पी ई बार बराबर तो 1 - नहीं होने की घटना में 1/3। ये जो है 5 से कम में देखो एक कहीं पर है, 5 से कम में तो ये 4 हो रहा है, तो एक को कैसे लेंगे, नहीं ले सकते हैं, तो नहीं आने की प्रायिकता जो है 1/3। अब देखो 2 पासा आप लोगों को दे दिया जाएगा और बोलेगा 2 आने की प्रायिकता, 3 आने की प्रायिकता, उसको अब देखना है
तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 वाला किधर गया? हाँ इधर का लेंगे फिर इधर का तो क्या one, क्या आएगा? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 फिर इसी तरह 2, 2, 2 अब देखो इतना परिणाम निकल सकता है, हो सकता है कि दोनों पासा को एक बार फेंका एक एक आ सकता है। इसमें ये देखना है कि कुल परिणामों की संख्या 26 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि कुल परिणामों की संख्या 36 6×6 पासा में कितना परिणाम निकल सकता है? 6 तो 2 पासा में 6×6=36 स्क्वायर तुरंत करेंगे 3×2=16 आप देखो कुल परिणामों की संख्या 36 आ गया। अब कहेगा कि दोनों पर 2 आने की प्रायिकता है, दोनों पर 2 आने की प्रायिकता। देखो तो कितना बार दोनों पर 2 आया है, एक बार से तो मुझे नहीं लगता है फाजिल आया है, एक बार यही ना है। तो क्या हो जाएगा? 1/36 2 आने की प्रायिकता 1/36 यहाँ तक क्लियर है? हो गया, पता, 3-2 तो कल आइए आप लोगों को और इस पर जो है ताश है उसके बारे में बताएंगे, फिर एक्सरसाइज पर चलेंगे कल के क्लास में। चलिए ठीक।